किसने की बीजेपी विधायक की जूता चोरी? नंगे पांव चलने पर मजबूर हुए नेताजी। जूता चोरी होने पर नेताजी ने दिया बड़ा बयान। अब तक आपने सोने चांदी या फिर दूसरी चीजों की चोरी होने के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज बीजेपी के विधायक का एक ऐसा सामान चोरी हो गया कि नेताजी को नंगे पांव चलना पड़ा। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ है जब कुछ चोरी होने पर बकायदा नेताजी भगवान से चोर के लिए दुआ कर रहे हैं। जी सही सुन रहे हैं आप, चोरी होने पर भी नेताजी चोर पर गुस्सा नहीं हुए, बल्कि वो भगवान से दुआ कर रहे हैं कि उस चोर का भला हो। चलिए अब आपको पूरा मामला क्या है ये बताते हैं। दरअसल ये आगरा के फतेहाबाद से बीजेपी के विधायक छोटे लाल वर्मा हैं, जो शमशाबाद धेमश्री में सती मेले का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उद्घाटन करने के लिए मंदिर में जाने से पहले उन्होंने मंदिर के गेट पर ही अपना जूता उतार दिया। लेकिन गजब तो तब हो गई जब वो मंदिर से बाहर आए तो नेताजी का जूता मंदिर के गेट से गायब था। फिर क्या था, वहां मौजूद तमाम लोग लगे नेताजी का जूता ढूंढने, लेकिन नेताजी ने मामले को रफा दफा करते हुए नंगे पैर ही गाड़ी की तरफ चल दिए। वहीं साथ में चल रहे लोग इस मंजर को देखकर हंस भी रहे थे। हालांकि जूता चोरी होने के बाद उन्होंने गुस्सा नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस चोर के लिए मां सती से प्रार्थना की कि उस चोर को खुश रखें। आप भी सुनिए नेताजी ने जूता चोरी होने के बाद क्या कुछ कहा। देखिए मैं मेरे जूतों के मामले में तो ऐसा है, मैं ये अपील करता हूँ, कोई गरीब आदमी को पैसे पहनाता नहीं, वो पहन गया है और माँ सती का आशीर्वाद है उसे मिसाल करे पहनने वाले को, और वही सुरक्षा के बारे में प्रशासन की जिम्मेदारी है, आप शांति व्यवस्था का चाहिए वहीं इस घटना का वीडियो किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद नेताजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग अपने अपने तरीके से इसे लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहरहाल नेताजी के जूता चोरी होने के बाद जिस तरह से उन्होंने बयान दिया उसकी तारीफ ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रशासन वहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए था, न कि उनके जूते की देखभाल करने के लिए। खैर भले ही नेताजी के जूते चोरी हो गए हों, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बयान दिया उसकी लोग तारीफ भी कर रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट।